नमस्कार, हूँ हर्ष रॉय। कृषि जागरण में आपनु स्वागत छे। कारण के बात छे देशनी समाचार जोता पहला नजर करीशु हेडलाइंस पर। खेडूतों ने 2000 यूनिट वीजड़ी मफत मळशे। डूडू राजस्थान नो नवो जिल्लो बन्यो। एप्रिल महीना में उगाड़वामां आवती शाकभाजी जाणो कई छे। महिला निधि तरफ थी लोन पर 8% व्याज सबसिडी आपवामां आवशे, राजस्थान सरकारे जाहेरात करी। कृषि विज्ञान केन्द्र गुरुग्राम डॉक्टर भरत सिंह श्रेष्ठ ने केवीके साइंटिस्ट एवॉर्ड थी सम्मानित कराया। डिफॉल्डर खेडूतों ने नवी लोन केवी रीते मळशे जाणो पूरी विगत। हवे खेडूतों खेती करवा माटे भाड़ा पर कृषि साधनों पण लई शकशे। ओछा खर्चा में वधु नफो थशे, करो मरचानी खेती। सुरेन्द्रनगरना खोड़ू ग्रामना प्रगतिशील खेडूत प्रवीणभाई मकवाणाए राज्यना अन्य खेडूतों माटे बन्या प्रेरणास्त्रोत। राजमानी खेती केवी रीते करवामां आवे छे जाणो पद्धति। डीसा मार्केटयार्डमां तमाकुनी हराजी शुरू, भाव ना मळता खेडूतो रोषे भराया। समाचार जोईशुं विस्तारथी। राजस्थान सरकार राज्यना लोकोना भला माटे एक पछी एक तमाम जाहेरातों पर झड़पती काम करी रही छे। जोवामां आवे तो राज्य में खुशीनो माहौल छे। तमारी जानकारी माटे तमने जणावी दईए के एक तरफ समग्र देश में मोंघवारी अने बेरोजगारीनी समस्या सतत वधी रही छे, तेज समय राजस्थान सरकार तेनी योजनाओ द्वारा सामान्य लोकोने राहत आपवा माटे श्रेष्ठ प्रयास करी रही छे। पछी ते आरोग्य क्षेत्र होय कि कृषि क्षेत्र, सरकार दरेक क्षेत्र में काम करी रही है। धाणानी खेती मार्च अने एप्रिल महीना में थाय छे, तो आ सीजन में धाणानी मांग घणी वधारे होय छे, जेना कारणे तमने सारी किंमत मळे छे। धाणानी खेती में तमे तेना लीला पांदड़ा वेची शको छो अने तेनी साथे तमने फळ आप्या पछी पण सारी आवक मळे छे। कोथमीर, पालक, रींगणा, कोबी, फूलकोबी आ दरेक वस्तु तमे एप्रिल महीनाना एंडमां तमे उगाड़ी शको छो। महिलाओनी स्थिति सुधारवा अने महिलाओने आत्मनिर्भर बनाववा माटे राजस्थान सरकार तेनी महिला निधि योजनामां एक मोटू अपडेट सामे आप्युं छे। हकीकतमां मुख्यमंत्री अशोक गहलोते महिला निधि द्वारा स्वसहाय योजना जूथनो सभ्यने उपलब्ध करावेली लोन पर 8% सबसिडी आपवानो प्रस्तावने मंजूरी आपी दीधी छे। गहलोते नाणाकीय वर्ष 2023-24 માટે 12 કરોડ રૂપિયાની વધારાની નાણાકીય જોગવાઈના પ્રસ્તાવને પણ મંજૂરી આપી છે। ભારતીય કૃષિ સંશોધન સંસ્થાન ગુરુગ્રામ સિકોહપુર કૃષિ વિજ્ઞાન કેન્દ્ર સિકોહપુર ખાતે નિયુક્ત પ્લાન્ટ પ્રોટેક્શન અને એન્ટોમોલોજિસ્ટ ડોક્ટર ભરત સિંહાએ ત્રિદિવસીય આંતરરાષ્ટ્રીય પરિષદ કૃષિ બગાયત અને સંલગ્ન વિજ્ઞાનમાં નવી અભિગમો દરમિયાન શ્રેષ્ઠ કેવીકે વિજ્ઞાનીનો પુરસ્કાર આપવામાં આવ્યો હતો। SGT યુનિવર્સિટી ખાતે આયોજિત એવોર્ડ તેમને આપવામાં આવ્યો હતો। કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા રજૂ કરાયેલા સામાન્ય બજેટ 2023-24માં સરકારે કૃષિ ધિરાણનો લક્ષ્યાંક વધારીને 20 લાખ કરોડ રૂપિયા કર્યો છે। સરકાર તરફથી કૃષિ લોનના લક્ષ્યાંકમાં વધારો કરવાનો હેતુ દેશના વધુને વધુ ખેડૂતોને લોનની સુવિધા આપવાનો છે। સામાન્ય રીતે કૃષિ લોન પર 9% વ્યાજદર વસૂલવામાં આવે છે, પરંતુ સરકાર ખેડૂતોને સસ્તા દરે ટૂંકા ગાળાની પાક લોન આપે છે। આ માટે સરકાર દરેક દ્વારા ખેડૂતોને વ્યાજ પર સબસિડીનો લાભ આપવામાં આવે છે। આ સાથે જ કૃષિ પશુપાલન અને મત્સ્ય ઉદ્યોગ કરતા ખેડૂતોને ક્રેડિટ કાર્ડ કરતા સસ્તી લોન મળે છે। દેશના ખેડૂતોને રાહત આપવા અને તેમની આવક વધારવા માટે દેશના વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્ર મોદી દ્વારા નવી યોજનાઓ શરૂ કરવામાં આવી છે। આ યોજનામાં દેશના ખેડૂતોને ખેતી માટે મોંઘા સાધનો ખરીદવાની જરૂર નહીં પડે અને ખેડૂતો ખેતી કરવા માટે ભાડા પર કૃષિ સાધનો પણ લઈ શકશે। આ માટે ખેડૂતોને CHC ફોર્મ મશીનરી
मोबाइल एपनी जरूर पड़शे जेथी खेडूतोने तेना खेतरनी 50 किमी त्रिज्यामां उपलब्ध कृषि मशीनरी भाड़े आपी शकशे अने आ तमाम कृषि मशीनरी सीएचसी फार्म मशीनरी मोबाइल एपनो उपयोग करीने अने सस्ता दर भाड़े सरळताथी उपलब्ध थशे तेनाथी खेडूतो ओछा खर्चे सारी कमाणी पण करी शकशे। ज्यां वार्षिक वरसाद 60-150 सेमी होय छे तो तेवा विस्तारोमां मरचानी खेती सफळतापूर्वक करी शकाय। वधु पड़तो वरसाद तेनुं नुकसान पहोंचाड़े छे। तेनी खेती माटे बेक्टेरियाना सारा ड्रेनेजवाळी चीकणी अथवा तो रेताळ जमीन वधु योग्य छे जेमां सेंद्रिय पदार्थनुं प्रमाण वधु होय छे। जो तमारे मरचानी छोड़ तैयार करवो होय तो जुलाई महीनामां तेनुं रोपणी करी शकाय छे। तेना वावेतर माटे तमारा विस्तारमां आबोहवा अनुसरवा 4-8 अठवाडिया जूनना मरचा रोपा अने सपाट खेतरमां अथवा तो रेम्स पर ट्रांसप्लांट करी फेर पापणी अने तेना वखते ध्यान राखवामां आवतुं होय छे तो आज रीते मरचानुं वावेतर एक हारमां करवुं जोईए अने साथे साथे ज तेनुं निंदामणनुं काम पण सरळताथी थई शके छे। सुरेन्द्रनगरना खोडू गामना प्रगतिशील खेडूत प्रवीणभाई मकवाणा राज्यना अन्य खेडूतो माटे बन्या प्रेरणा स्रोत। सरकारश्रीनी विविध योजनाकीय सहाय अने मार्गदर्शन मेळवी 150 वीघा जेटली जमीनमां अंजीरनी खेती करी उत्तम नफो मेळवी रह्या छे। राजमानी खेती माटे योग्य ड्रेनेजवाळी रेताळ लोम जमीननी जरूर छे। राजमानी खेती में जमीन में पीएच मूल्य 6.5-7.5 वच्चे होवू जोईए। ते भीनू अने शुष्क आबोहवा पाक छे जेमां आबोहवा अने तेमां तापमान वधु महत्वनुं छे। तापमान में ते वधु सारी रीते उत्पादन आपे छे। तो भारत में राजमानी खेती खरीफ अने रवि बन्ने सीजन में थाय छे। राजमाना छोड़ने सारी रीते अने वधारवा माटे सामान्य तापमाननी जरूर छे। वधु पड़तुं गरम अने ठंडु वातावरण तेना छोड़ माटे फायदाकारक नथी। राजमाना बीजनुं अंकुरण समय 20-25 तापमाननी जरूर पड़ती होय छे अने अंकुरण पछी तेना छोड़ 10-30 डिग्री तापमाने सारी रीते विकास पामे छे। तेना पाक माटे तापमान लघुत्तम 10 अने महत्तम 30 डिग्री होवुं जोईए। जो तापमान आना करता वधारे होय तो फूलो खरवानुं जोखम पण रहेलुं छे। बनासकांठाना डीसा मार्केटयार्डमां तमाकुनी हराजी शरू थई हती जेनी अंदर आ सीजननी प्रथम हराजी हती। खेडूतोने आशा हती के आ वर्ष पण गत वर्षनी जेम तमाकुना सारा भाव मळशे, परंतु खेडूतो माटे तो आ हराजी प्रथम ग्रासेट मक्षिका जेवी साबित थई छे। कारण के तमाकुनी हराजी मात्र 700 रुपियाथी शरू थई हती जेथी खेडूतने रोषे भराया हता। खेडूतो रोषे भराता ज ते लोकोमां एक उग्र अने जोवा मळ्यो हतो। हाल समाचारोमां बस आटलुं ज। देश विदेश अने एग्रीकल्चर न्यूज माटे जोता रहो कृषि जागरण। नमस्कार।